नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। तो देहरादून के शासकीय आवास परिसर सीएम धामी ने हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के साथ यज्ञ और गायत्री पूजन किया और इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। हाल ही में अपने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठक कर रहे हैं। बता दें कि सीएम धामी इस हफ्ते अधिकारियों के साथ 9 से 10 बैठक कर सकते हैं और सीएम धामी ने कहा कि जनता को कोई असुविधा ना हो और उत्तराखंड के सतत विकास के लिए उत्तराखंड में सभी क्षेत्रों में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए बैठकों का क्रम बनाया है, जिसके ऊपर हम निर्भर निरंतर यहाँ पर काम कर रहे हैं। राज्य को, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार देश का फिर से काम उन्होंने शुरू कर दिया है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और एक बार नहीं अनेक बार बाबा केदार की भूमि से सबसे पहले उनके मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो निश्चित रूप से उस सब के लिए सारे उत्तराखंडवासी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो। मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते हमारी पूरी सरकार, पूरी मशीनरी लगातार कामों को आगे बढ़ाए, लगातार उसकी समीक्षा करे, जहां जो कमी है उसको ठीक करे और सुशासन और विकास के मामले पर तेज गति से आगे बढ़े। इसलिए हम लोगों ने ये समीक्षा और ये बैठकों का क्रम बनाया हुआ है और ये क्रम निरंतरता से जारी रहेगा। उसके पीछे हेतु है कि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, उनको आसानी से उनके काम हो, कहीं पर भी जो है उनको परेशान न होना पड़े। उधर उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा दी है और इसी कड़ी में अब बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से परिवर्तन युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी शामिल हुए। बता दें कि बंगलौर उपचुनाव में बीजेपी की ओर से करतार सिंह बजाना को प्रत्याशी बनाया गया है। कहा ना कि अभी तो नहीं निकला कि जनप्रतिनिधि की गाड़ी है किसकी है, वो ये बताया कि मेरी गाड़ी आ रोक ली, मेरा पैसा नहीं है, वहां पकड़ लिया मेरे को, वहां चुनाव में प्रचार निकलने दे रहे हैं। तो ये गिरावट का चुनाव है और जब आदमी अंदर से मन से गिर जाता है तब उसकी हार भी निश्चित ही है। मैं सबसे पहले यही कहते हैं कि हम लोगों का जो वोट का जो परसेंटेज है, अगर ये जनून नहीं होगा तो वोट का परसेंटेज ही कम रहता है। वो 50-55-60% वोट का जो मतदान होता है उसमें अच्छे लोग वोट के डालने के लिए नहीं जा रहे, तो उनका वोट अगर डालने के लिए 95% 97% पोली हो तो मैं नहीं मानता कि चुनाव में कोई कोई टिकट खा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में उत्साह, उनका उत्साह वर्धन करना हमारा काम है। उधर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सदन में दिए गए हिंदू वाले बयान को लेकर बीजेपी नेता लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं अब सीएम धामी ने राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है और उनके इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भाषण है वो झूठ का पुलिंदा है और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू समाज को हिंसक बताने की कोशिशता की है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू समाज हमेशा देश की रक्षा करता रहा है, धर्म की रक्षा करता रहा है और इनकी मानसिकता राहुल गांधी के जिस प्रकार से बयान आते हैं या उनके इंडिया गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, जो भी उनके साथी हैं, उनके बयान आते हैं वो कभी सनातन को मलेरिया कहते हैं, मच्छर कहते हैं, डेंगू कहते हैं, इससे इनकी हिंदू मानसिकता का पता लगता है। मैं तो यही कहूंगा कि राहुल विपक्ष के नेता का जो पद होता है वो बहुत गंभीर होता है, बहुत उसकी एक गरिमा होती है, वो इस गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं और पूरा भाषण उनका झूठ का पुलिंदा था, देश की जनता देख रही है। मैं यही कहूंगा कि उनको गंभीर होना चाहिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया बारिश को लेकर। राजधानी देहरादून में शुरू हुई चमाचम बारिश, ये बड़ी खबर आपको बता दें। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है, 16 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट।
पहली से बारहवीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। भारी बारिश को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें तो नैनीताल बागेश्वर चबात में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ उधम सिंह नगर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया। देहरादून हरिद्वार पौड़ी टिहरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। तो उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी राज्य मौसम विभाग की तरफ से। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे 16 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। उधर एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, चमोली बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन ने माइक से लोगों को अलर्ट किया है। बता दें आपको ब्रह्मा कपाल गांधी घाट और नारद कुंड जलमग्न हो गए हैं। पर्यटकों को नदी के आसपास जाने से रोका गया है। जलस्तर बढ़ने से वैकल्पिक मार्ग बहा, जी हाँ, मास्टर प्लान के कार्यों के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था। मार्ग बहने से क्षेत्र में रिवर फ्रंट का कार्य बंद कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। बारिश के बाद अब नदियों का जो जलस्तर है वो काफी हद तक बढ़ गया है और माइक से आप देख सकते हैं किस तरीके से पर्यटकों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, नदियों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम पूरा करने की टाइमलाइन जून 2024 से बढ़ाकर मार्च 2025 तक कर दी है। बता दें कि देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग के अलावा अन्य योजनाओं का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं इस पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य तेजी से चल भी रहा है, अभी स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कुछ कार्य होना बाकी है। एक सपना है और पूरा हम चाहते हैं कि जो देहरादून की है, जो देहरादून एक पूरे एक विश्व में अलग पहचान रखती है, उस सिटी को हम एक स्मार्ट सिटी बनाएं और स्मार्ट सिटी के तहत हम उसके पूरे उसमें यातायात की व्यवस्था, उसमें हर प्रकार की पानी बिजली हर प्रकार की व्यवस्था, उसमें कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम दिखाना चाहते हैं पूरे उसमें कि एक अलग सा नाम जो देहरादून का है वो अलग नाम रहे। इसके तहत कई ऐसा है कि चाहते हैं हम एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए कुछ समय थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन आपको वो दिलाना चाहूंगी, मैं भरोसा दिलाना चाहूंगी आने वाले समय में सबको लगेगा कि ये वाकई में देहरादून उत्तराखंड का एक नया जो है वो एक शहर बना है। उधर राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार लगाया और इस दौरान जनता ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखकर जल्द से जल्द निवारण करने की अपील की। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है तो उसे लेकर भी कुछ शिकायतें देखने को मिली हैं। तो देवभूमि में कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लोग कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में अब कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानियां ना हो इसके लिए पुलिस की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा सुनिए। कांवड़ का भी हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती रहती है क्योंकि कांवड़ में एक तो जितनी संख्या में वाहन आते हैं और जिस तरह से जिस उत्साह में शिव भक्त होते हैं तो उनको व्यवस्थित करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों इस वर्ष पार्किंग की सुविधा में थोड़ा सा और ध्यान दे रहे हैं, ड्रोन्स के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से कई सारी अलग अलग मतलब इनोवेशन के साथ हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2024 की कांवड़ व्यवस्था और बेहतर। कांवड़ का भी हम लोगों को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है क्योंकि कांवड़ में एक तो जितनी संख्या में वाहन आते हैं और जिस तरह से जिस उत्साह में शिव भक्त होते हैं तो उनको व्यवस्थित करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों इस वर्ष पार्किंग की सुविधा में थोड़ा सा और ध्यान दे रहे हैं, ड्रोन्स के माध्यम से
ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से कई सारी अलग अलग मतलब इनोवेशंस के साथ हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2024 की कांवड़ व्यवस्था और बेहतर। कांवड़ का भी हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि डाक कांवड़ में एक तो जितनी संख्या में वाहन आते हैं और जिस तरह से जिस उत्साह। उधर आपको बता दें, केदारनाथ धाम में साल 2013 में आई आपदा से सबक लेते हुए सरकार ने ग्लेशियरों की निगरानी करनी शुरू कर दी है। दरअसल प्रदेश में ग्लेशियरों में 13 नई झील बनी है, जिसका अध्ययन करने के लिए 2 जुलाई के बाद यहां एक्सपर्ट टीम भेजी जाएगी, ताकि भविष्य के संभावित खतरे को टाला जा सके। और इस पर जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मिटिगेशन के लिए वहां अगर लेक में ज़्यादा पानी होता है, बस्ट करने की संभावना बनती है, उसके लिए हम उसको डिस्चार्ज के लिए पाइप्स वगैरह डालेंगे। तो हमारी टीम जाएगी तो सबको इवैल्यूएट करेगी, वहाँ पंक्चर करेंगे, पाइप लगाएंगे उसमें, इवैल्यूएट करेगी, बैथीमेट्री करेगी, यानी लेक का कितना साइज है, कितना गहरा है, पूरा स्टडी करेगी और उसके बाद उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन और मिटिगेशन की कार्रवाई होगी। उधर आपको बता दें कि देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, और वहीं हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली में नए कानून के तहत प्रदेश का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसके साथ ही हरिद्वार वादियों को डिजिटली साइन FIR की कॉपी देने वाला राज्य का पहला जिला भी बन गया है। थाना ज्वालापुर में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला अभियोग पंजीकृत किया गया था। कल रात एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि करीब 1:45 के आसपास एक व्यक्ति विपुल नामक एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना हुई थी। तत्काल उसके द्वारा पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्रसारित की गई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके में पहुंच के जो भी अज्ञात व्यक्ति थे उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु भारतीय न्याय संहिता के तहत एक मुकदमा कायम किया गया। इसमें जो डिजिटली साइन जो कॉपी है वो भी वादी को तुरंत मुहैया कराई गई, और जो हमारे फॉरेंसिक की जो जटिलताएं हैं उसको भी बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण किया गया है, और नेफिस के तहत जो भी आगे की कार्रवाई है वो इसमें संपन्न कराई जाएगी। इस संबंध में मैं हरिद्वार पुलिस ने तत्काल करीब 10 घंटे के अंदर अभियुक्त का अनावरण भी किया है, दोनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है और 100% रिकवरी इसमें की गई है। भारतीय न्याय संहिता में इस तरीके का ये पहला अभियोग और आज ही इसका वर्कआउट भी हुआ है, इसके लिए समस्त थाना जो टीम है और उनको मैं बधाई भी देता हूँ। उधर आपको बता दें कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जून से अक्टूबर के बीच डेंगू और चिकनगुनिया का संक्रमण देखा जाता है। बीते साल प्रदेश में डेंगू का अत्यधिक जो प्रकोप है वो रहा था, वहीं डेंगू के कारण 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। अब इसे देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने सभी विभागों को अभी से अलर्ट रहने और मच्छरों को न पनपने देने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए पहले से ही SOP जारी करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है, और साथ ही साथ नगर निगम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी लगातार मीटिंग चल रही है। देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए हम लोगों ने बहुत पहले ही SOPs जारी कर दिए हैं। धरातल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम के साथ हमने मिलके माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पहले ही बना दिए हैं, और लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है, और सभी के साथ मिलके सोर्स रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बाकी वाटरबॉर्न इलनेसेस जो कॉमन रहती हैं बारिश के सीजन में, उसके लिए भी हम लोगों ने SOP जारी कर दिया है। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।